भारतीय सेना सुपर 30 नाम से चलाए जा रहे शिक्षा अभियान के तहत पिछले 3 वर्षों में 68 छात्रों का भविष्य सवार चुकी है। इस अभियान के जरिए सेना युवाओं को नीट और जेईई के लिए तैयार करती है। घाटी में सेना की 15 कोर के एनआईईडीओ के साथ मिलकर 15 जून 2018 को सुपर 30 प्रोग्राम शुरू किया था। हर साल 10% छात्रों को कोचिंग के लिए चुना जाता है। चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे की अगुवाई में इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, जब वो किलो फोर्स के जीओसी थे। उस समय सिर्फ लड़कों के लिए कोचिंग का प्रबंध था। अब 20 लड़कियों को भी हर साल प्रोग्राम में शामिल करने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर ही 20 लड़कियों का चयन कर अब ये सुपर 50 प्रोग्राम बन जाएगा। पिछले 3 सालों में चुने गए छात्रों में से 68 छात्र सफल होकर विभिन्न मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि तीसरे बैच के 35 छात्र इस महीने नीट जेई की परीक्षा देकर अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज़।